नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में खुलेआम चल रहा है सट्टा, मुखी के पास जमा सटोरियों की भीड़, पुलिस से बेकॉफ होकर सटोरी लगा रहे हैं दाव। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में थाने से 200 मीटर की दूरी पर खुलेआम सटका मटका सट्टा चल रहा है और सभी सटोरी बुकी को घेरे हुए खड़े और ये दृश्य होराइजन न्यूज के रिपोर्टर उदय प्रताप के कैमरे में कैद हो गया। कुछ ही दूर पर क्लॉक टावर थाना है और पुलिस से बेकॉफ होकर ये सटोरी खुलेआम दाव लगा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और सबसे पहले तस्वीरें होराइजन न्यूज पर दिखाई जा रही है। पानी तो दिखा दे मिलियन किलो फोन तो बोल रहे फोन तो बोल रहे कमजोर कैसा था तुम? पीली हो गया यार। पीली हो गई क्या? खबर आई क्या भैया? ट्रक में आगे मिला भूसा और पीछे मिली शराब, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख की शराब पकड़ी। आबकारी विभाग को इतला मिली थी कि शराब से भरा ट्रक किशनगढ़ की ओर आ रहा है। इतला के बाद आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। ट्रक गुजरात की ओर से आ रहा था, बड़ी चालाकी के साथ शराब के ट्रक को ले जाया जा रहा था। विभाग ने जब ट्रक को देखा तो उसमें आगे भूसे के कट्टे पड़े हुए थे और पीछे लगभग 20 लाख की शराब पड़ी हुई मिली, जो कि हरियाणा निर्मित है। इस कार्रवाई में 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया है और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। सर, क्या है मामला और कितनी शराब पड़ी? आज करीब सुबह 9:30 बजे हमें इतला मिली थी कि एक हरियाणा से शराब का ट्रक इधर से गुजरेगा, तो हमने EPF किशनगढ़ को इतला दी और हमारे ये विजय जोशी जी जो ये EO EPF हैं ये सब वहाँ मौके पे गए और इन्होंने ये तिलक गार्डन के पास में किशनगढ़ के पास में इस गाड़ी को पकड़ा, इस ट्रक को, और फिर पकड़ के इसको लेके आए हैं। और इसमें मैकडोवेल नंबर 1 विस्की हरियाणा मेड है ये है और ये गुजरात में बिकने के लिए जा रही थी, जैसा इस बिल्टी में है इसका डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। बिल्टी बाजरे की है, बाजरा ले जाने की बिल्टी है और इसके अंदर शराब भरी है, कुछ भूसा भरा हुआ था, भूसे के बाद में जब भूसे के जो वो हैं कट्टे हटाए तो अंदर इसमें मैकडोवेल नंबर 1 विस्की की
कुछ पेटियाँ निकली हैं, उनकी गिनती अब कर रहे हैं, एग्जैक्ट गिनती तो बाद में बता सकूँगा, लेकिन करीब 20-1 लाख का इसमें शराब है और ये ट्रक भी हमने जब्त कर लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 2 मुलजिम को हमने गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम है, एक तो कालीचरण जो अहीर सुरेली कोसली जिला रेवाड़ी का रहने वाला है, दूसरा सुगन जाट ये भी रेवाड़ी का ही है। इन दोनों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और मौके पर कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से खेल कूद प्रतियोगिता शुरू। संभाग स्तर की इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है 20 टीमें। जीतने वाली टीम को राज्य स्तर पर किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज पटेल मैदान में खेल कूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 20 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता में फुटबॉल, पेंटिंग, वाद विवाद भी रखा गया है, जिसमें जीतने वाली टीम को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आज प्रतियोगिता का शुभारंभ करने आए सत्यनारायण टेलर ने कहा कि खेल कूद से खिलाड़ी में अनुशासन आता है, जिससे उसका विकास होता है और वह समाज में आगे बढ़ता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से हमारे अजमेर जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ये खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम संभागीय स्तर पर किए जा रहे हैं, जिसमें पेंटिंग, वाद विवाद के साथ साथ विभिन्न खेलों के कार्यक्रम होंगे। करीब 20 टीम इसमें भाग ले रही है। जो टीम जीतेगी उनको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जीतने वाली टीम को पुरस्कृत करेंगे। ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा, क्योंकि खेल अनुशासन सिखाता है, अनुशासन के कानून सिखाता है। एक खिलाड़ी अनुशासन में रह करके स्वतंत्रतापूर्वक खेल करके दूसरों के प्रति खुद के दायित्व को ध्यान में रख करके अपने आप में विकास लाता है और यह विकास उसको एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाता है। समाज में भी वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है, तो इन चीज़ों का बहुत महत्व होने से ये चीज़ें विधिक सेवाओं की जानकारी के उद्देश्य के साथ साथ समाहित की गई। कोकली किन्नरों ने रेलवे स्टेशन को बनाया अपना नया अड्डा। पुलिस की आंखों के सामने चल रहा है देह व्यापार। अजमेर की छवि दिन ब दिन हो रही है खराब। कई सालों से अजमेर में नकली किन्नरों द्वारा अवैध व्यापार किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले साल भी होराइजन न्यूज़ ने इसका स्टिंग किया था, लेकिन बस अड्डा बदल गया, व्यापार अब भी जारी है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां नकली किन्नरों का व्यापार चल रहा है, वहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कुछ ही दूर पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी है। रात 11 बजे के बाद नकली किन्नर एकत्रित होकर अपने जिस्म की नुमाइश शुरू कर देते हैं। रेलवे स्टेशन पर 11 बजे के बाद चलने वाले नकली किन्नरों के जिस्मानी खेल को होराइजन न्यूज़ की रिपोर्टर उदय प्रताप सिंह ने अपने कैमरे में एक बार फिर कैद किया। रिपोर्टर उदय प्रताप सिंह ने एक बार फिर इन किन्नरों के खेल को उनके नए ठिकाने पर पहुंचकर अपने कैमरे में कैद किया। जानकारी के अनुसार देर शाम यहाँ नकली किन्नर खड़े हो जाते हैं, उनके साथ ही मंचले का मजमा भी लग जाता है। इनसे नाबालिग बच्चे भी अछूत नहीं है। होराइजन न्यूज़ की रिपोर्टर ने जब इन किन्नरों को अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया तो इन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बस किन्नर कैमरे से मुंह छुपाते नजर आए। क्या हुआ? अच्छी बात नहीं भैया, अच्छी नहीं। तो तुम ये क्या कर रहे हो ये बताओ पहले। अरे ये काम अच्छा है क्या? तुम वीडियो बना रहे हो? नहीं, ये काम अच्छा है क्या? नहीं, ये काम अच्छा है क्या बताओ पहले। मैं तो पूरा उठा लेता हूं, तो मुझे क्या डर लगता है किसी का है? जल्दी बना ले, बना ले। ज्यादा दिखा रहा कि मैं वीडियो वाला हूं। नारी की महिमा का किया गुणगान, दिया नारी सशक्तिकरण का संदेश। कोमल है, कमजोर नहीं, मैं शक्ति स्वरूप, जगत कल्याणी आधार शक्ति हूं। शक्ति महाप्रणा ए मेगा जर्नी नारी शिक्षा वैदिका नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए इन प्रस्तुतियों से श्री अग्रसेन जन्मोत्सव 2018 का भव्य आगाज हुआ। अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वाधान में अग्रवाल नवनियुक्त मंडल व अग्रवाल महिला मंडल द्वारा अग्र कुल प्रत्वक महाराज श्री अग्रसेन जी के 5142 जन्मोत्सव सांस्कृतिक संध्या एक शाम नारी शक्ति के नाम का आयोजन रविवार को अग्रवाल उत्सव भवन भीलवाड़ा में किया गया। संयोजक बादल रूंगटा व अर्पित अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मुखबधिर विद्यालय के छात्राओं की ओर से सांकेतिक भाषा में कहकर राष्ट्रगान से हुई। 23 टीमों ने छात्र छात्राओं व महिलाओं द्वारा की गई आकर्षक प्रस्तुति ने बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों को नारी की शक्ति से अवगत कराया। खिड़की पे साथ
लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तक नहीं भगवान जी से कह दूंगी कि नहीं माँ मेरा मरा मुंह देखिए पॉलिटेक्निक इंजीनियर्स के बीच होगी डांस फेकी प्रतियोगिता अभिव्यक्ति 2018 का आयोजन मेयो कॉलेज में होगा आयोजन अभिव्यक्ति 2018 का आयोजन किया जा रहा है जिसको लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें डिस्कॉम के एमडी भामू भी उपस्थित हुए वे कार्यक्रम की जानकारी ली। इस कार्यक्रम में अजमेर के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनके छात्रों के बीच डांस फेकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जीतने वाले प्रतिभागी को 21,000 का इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि ताकि अजमेर के जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके बीच एक वार्ता हो। बड़े बड़े बांध बनाए हैं और बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशंस बनाए हैं और एक नेशन को बनाने में एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके साथ में ही इंजीनियर्स कल्चरल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में भी कम नहीं है जो आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि यदि इंजीनियर ठान ले तो किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रह सकता। आज अजमेर इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट का एक जो वार्षिक सम्मेलन होता है वो एक तरह से इंजीनियर्स का मेला यहाँ में जो कॉलेज का प्रांगण है इसमें हमें देखने को मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ का जो इसको स्टेडियम का रूप भी दे सकते हैं मिनी स्टेडियम इसमें करीबन 2,500 आदमियों की स्ट्रेंथ है और वो पूरी आप देख रहे हैं कि पूरी भरी हुई है और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो तैयारी की है जो कल्चरल प्रोग्राम की वो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कल्चरल प्रोग्राम देखे हैं वो एक नेशनल लेवल की तैयारी उन्होंने की। अभिव्यक्ति 2018 का आयोजन किया जा रहा है। अभिव्यक्ति में हम जो अजमेर स्थित जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं उनके बच्चों के बीच में एक डांस कॉम्पिटिशन रखते हैं और इनके बीच में एक टेक्निकल सेशन का भी कॉम्पिटिशन होता है। इसके अलावा अजमेर में स्थित सभी इंजीनियर्स और उनके परिवारों के द्वारा भी इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार हमने ये कार्यक्रम मेयो कॉलेज के कांगड़ा एम्फी थिएटर में रखा है और इस कार्यक्रम में अजमेर स्थित सभी एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सभी अधिकारी इसमें आएंगे जिनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा और उसके बाद में सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीच में एक प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिता जो जीतेगा उस कॉलेज को एमजी तोशनीवाल ट्रॉफी एवं 21,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। इसके अलावा इस साल से हमने दो नए इनाम चालू किए हैं जो बेस्ट कॉस्ट्यूम के बारे में और बेस्ट डिज़ाइनिंग जो करेंगे उसके बारे में श्रीमती गीता देवी बाल्दी मेमोरियल ट्रॉफी चालू की गई हैं। इसमें ट्रॉफी के अलावा 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट बच्चे हैं उन विजेता को 5100 रुपये का गिफ्ट वाउचर जो कि स्कोप कंप्यूटर के माध्यम से दिया जा रहा है। इससे बच्चे वहां जाकर कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। उपविजेता को 3100 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को 2100 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता से हमारा जो मेन उद्देश्य है कि अजमेर स्थित सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों में आपस में सामंजस्य होवे और वो अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा और अपनी टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है उसको बाहर ला के और उसका पूरा उपयोग किया जा सके। मैं मुकेश बाल्दी अध्यक्ष अजमेर। शहर में दिवाली की तैयारी शुरू। मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों का कार्य शुरू। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली जो इस साल 7 नवंबर को मनाई जाएगी। शहर में दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। दिए बनाने वाले कारीगरों ने मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर दिया है। जूनियर इंजीनियर्स का शुरू हुआ प्रशिक्षण। विद्युत विभाग में नए 213 जूनियर इंजीनियर्स की हुई नियुक्ति। एक सप्ताह चलेगी ट्रेनिंग। डिस्कॉम में आज अजमेर जिले के 25 जूनियर इंजीनियर्स की ट्रेनिंग आज से शुरू हुई जो कि एक सप्ताह चलेगी। एमडी भामू ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में नए 213 जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति हुई है जिनकी जगह जगह ट्रेनिंग की जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान एमडी भामू ने इंजीनियर्स को कई तरह की जानकारी दी। एमडी भामू ने बताया कि ज्यादातर इंजीनियर्स को उनके रेजिडेंट के पास ही नियुक्ति दी गई है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो और काम मन लगाकर कर सकें। हमारे यहाँ 213 जूनियर इंजीनियर्स के भी हाल ही में नियुक्ति दी है। हमने तय किया कि उनको एक सप्ताह की ट्रेनिंग यहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिस में या उदयपुर और उसके बाद में एक सप्ताह की ट्रेनिंग फील्ड ट्रेनिंग वहाँ पर सर्कल में दी जाए।
उसी सिलसिले में आज यहाँ पर करीबन 25 जूनियर इंजीनियर्स की ट्रेनिंग शुरू हुई है जो अजमेर ज़िले के हैं, और जो हमारा M&P विंग है उसका जो सर्कल है यहाँ का अजमेर का, जिसके अंडर में अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ज़िले हैं, यहाँ से जूनियर इंजीनियर्स आए हैं। मैंने उद्घाटन के समय में सभी जूनियर इंजीनियर्स से यही आह्वान किया उनका कि अजमेर डिस्कॉम की एक बहुत ही सुंदर परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाएं, मन लगाकर काम करें। ज़्यादातर जूनियर इंजीनियर्स की पोस्टिंग उनकी नियरेस्ट, उनके जो रेजिडेंस हैं उसके नियरेस्ट दिए हमने, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अनुशासन से करें, यूनिफॉर्म में आए। एक जनरल उनको डिस्कॉम का आइडिया मैंने दिया है, बाकी अगले 6 दिन में हमारे एक्सपर्ट्स जो है इनको विभिन्न जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में, विजिलेंस के बारे में हमारे एडिशनल SP साहब मुकेश जी हैं ये बताएंगे, और एक वहाँ पर वर्क प्लेस पर जाने से पहले उनके दिमाग में एक पूरे डिस्कॉम का एक खाका जो है तैयार हो जाएगा। और वो खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।